धोराजी में कोरोना ने एक साथ 30 जेटला पॉजिटिव केस नोंधाया। नवा केस नोंधाता 3 दिवस में कोरोना कुल आंकड़ो 100 ने पार। कोरोना ना वधता आंकड़ा ने जोता धूळेटी ने लईने शहर सुमसाम। अमदावाद में संक्रमण साथ माइक्रो कंटेनमेंट जोन में वधारो। अमदावाद में 265 माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 4 विस्तारों ने हटावाया। नवा 13 विस्तारों उमेरो। विस्तारों में वटवा, मणिनगर, गोता, बोड़कदेव, त्रागढ़ रोड, चांदखेड़ा, साइंस सिटी समावेश। अमदावाद में आईआईएम कैम्पस में 8 केस पॉजिटिव मळ्या। 27 मार्चे 109 लोकोना कोरोना टेस्ट करवामां आव्या, जेमां 5 विद्यार्थी सहित 8 लोग पॉजिटिव। आईआईएम में 12 मार्च बाद कोरोना आंकड़ो 53 थयो। अमदावाद में खानगी होस्पिटलों में दर्दी की संख्या में वधारो। हाल 1541 बेड पर दर्दी सारवार हेठ, जेमां गंभीर कही शकाय तेवा 108 दर्दी वेंटीलेटर पर। आइसोलेशन में 573, एचडीयू में 643, वेंटीलेटर विनाना आईसीयू में 217 दर्दी सारवार हेठ। अमदावाद सिविल में छेल्ला 24 कलाक में 109 दर्दीओ दाखल करवामां आव्या। ऑक्सिजन अने बायपैपनी जरूर होय तेवा दर्दीनी संख्या पण वधी। होस्पिटल में हाल 401 दर्दी दाखल छे, जेमांथी 10 वेंटीलेटर, 25 बायपैप अने 230 थी वधु दर्दीओ ऑक्सिजन पर सारवार हेठळ। अमदावाद शहर में केस वधता सरकारी अने खानगी होस्पिटलों में दर्दीओनी संख्या में वधारो। सिविलना सुप्रिंटेन्डेंटना जणाव्या अनुसार केस वधशे तो 2-3 दिवस में 1200 बेड होस्पिटलनो आंकड़ो 800 पहोंची जशे। अमदावाद में कोरोना केस वधता खानगी होस्पिटलों वेंटीलेटर बेड 47% भराया, जयरे कि आईसीयू बेड 51% भराया। अमदावाद शहर में कोरोना केस 66,000 ने पार। अमदावाद सिविल में एक दिवस में 74 दर्दीओ दाखल थया। सिविल होस्पिटल में 410 दर्दी कोविड 19 हेठ सारवार लई रहा है, जयरे कि दाखल दर्दीओ में अर्धा जेटला दर्दीओ ऑक्सिजन हेठ सारवार लई रहा है। अमदावाद में कोरोना संक्रमण अटकावा तंत्रनी नवी पहल। वधु संक्रमित होय तेवी सोसायटीओ में रसीकरण अभियान हाथ धरायो। बोड़कदेव वोर्ड में सफल प्रयोग बाद अन्य वोर्ड में नवी रणनीति अमली कराशे। सोसायटी में 100 लोग तैयार हशे तो घरे बैठा मळशे रसीकरण। सूरत जिला में दर 2 मिनिटे एक पॉजिटिव केस नोंधायो। नवा केस साथ सूरत में कुल केस की संख्या 63,130, मृत्यु आंक 1,165 थयो। 10 दिवस पहला सूरत में 395 केस था, जे हवे डबल थया छे। हाल सिविल अने स्मीमेर में 12 दर्दीओ वेंटीलेटर पर, 110 ने ऑक्सिजन की जरूर पड़ी रही है। कोरोना फरी वकरता हाल होस्पिटल में 765 दर्दीओ सारवार हेठ। सूरत शहर में कोरोना व्याप दर्शाता चौंकावनार आंकड़ा। 1 मार्चे शहर में 4,395 लोग होम क्वारंटीन था, जयरे मार्च अंत में हाल शहर में 28,863 लोग होम क्वारंटीन। सूरत में मनपा द्वारा शहर में सुपर स्प्रेडर सतत टेस्टिंग थई रह्यु छे। मनपा द्वारा तमाम जोन में हाथ धराया टेस्टिंग, 914 जेटला लोगों टेस्टिंग करायु, जेमांथी 10 व्यक्ति पॉजिटिव। जूनागढ़ना पूर्व धारासभ्य महेन्द्र मशरू कोरोना पॉजिटिव, तावना लक्षणों जणाता रिपोर्ट करावाता रिपोर्ट पॉजिटिव। महेन्द्र मशरू होम क्वारंटीन। भरूच में कोविड स्मशान में पिता पुत्र सहित 3 दर्दियों ने अंतिम क्रिया कराई। कोविड स्मशान में अत्यार सुधी कुल 500 थी वधु कोरोना संक्रमित और शंकास्पद दर्दियों ने अंतिम क्रिया थी। अमदावाद में वाड़ज पुलिस की दादागिरी आवी सामे। बी स्टाफ ना कर्मचारी ने फ्री में पिचकारी न आपी तो गैरकायदे रीते वाड़ज पुलिस दुकानदार ने पुलिस स्टेशन लईने जईने मार मार्यो। समग्र घटना सीसीटीवी में कैद। पाटण में हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी में करावाना पास करावाना कौभांड में वधु केटलाक पुरावा सामे आव्या। एमबीबीएस प्रथम वर्षनी परीक्षानी मुख्य उत्तरवही बदलाई होवानी आशंका। केमिस्ट्री विभागना पूर्व डीन अने वर्तमान कुलपतिनी संडोवणी पण होवानी आशंका। रीएसेसमेंट बाद मुकायेला मार्क्स में देखाई विसंगतता। मार्किंग में गैररीति करीने चोक्कस विद्यार्थी ने पास करायानो दावो। कच्छमां गुच्छी टोकनो आरोपी निखिल डोंगा भूजथी थयो फरार। सारवार दरमियान भूजनी होस्पिटलमांथी फरार थयो निखिल डोंगा। पुलिसे आरोपी निखिल डोंगा ने पकड़वा माटे कार्यवाही हाथ धरी। अमरेली राजूडाना खेरा गाम में माताए करी पुत्र की हत्या। माताए 30 वर्षीय युवान ने लाकड़ी थी मार मारी ने हत्या करी। मृतक तेमनी बहन ने परेशान करतो होवानी हत्या करी होवानो खुलासो। वडोदरा में विश्वामित्री नदी में युवक एक्टिवा साथ डूबियो। फायर ब्रिगेड की मदद की युवक नो मृतदेह नदी में बाहर कढ़ायो। लाश ने पोस्टमार्टम माटे खसेड़ी ने तपास हाथ धरी। राजकोटना त्रंबानी आजी नदी में डूबी जवाथी बे युवानोना मौत। धूळेटी बाद नावा पड़ा था राजकोटना युवानो। स्थानिकोए पुलिस ने करी जाण। मृतदेह ने नदी में बाहर काढ़वामां आव्या। महिसागरना हाडोड गाम में 3 युवानोना डूबी जवाथी मौत। महिसागर नदी में नावा पड़ेला जोरापुर गामना युवकोना मौत। युवकोना मौत थी गाम में गमगीनीनो माहौल।
દાહોદના ગરબાડા ચોકડી નજીક કુવામાં ડૂબ્યો યુવક. પાંચ યુવકો ફૂલ તોડવા ગયા તે સમયે શ્વાનથી બચવા એક યુવક ભાગ્યો. અકસ્માતે યુવક કુવામાં પડ્યો. દાહોદ ફાયર વિભાગ અને પોલીસે યુવકની શોધખોળ હાથ ધરી.